रोड से। अब रोड के विष्णु धर्मशाला में कांग्रेस कमेटी एवं अग्रिम संगठनों के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद नीरज डांगी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेसी सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हीरा भाई अग्रवाल ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। वरिष्ठ कांग्रेसियों का स्वागत माला साफा व शॉल देकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने के तरीके सुझाए। उसके तहत कई बुजुर्गों ने राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को बताया कि हम उनके पिताजी के साथ काम कर चुके हैं। वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस की पहले दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह हुआ करता था 25 पैसों की मेंबरशिप की प्रक्रिया के बारे में बताया। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने अपने उद्बोधन में सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त किया और बताया कि उन्होंने जो कमाया कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसका ब्याज खा रहे हैं इनसे सीख लेने के लिए कहा गया। वह बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रेवदर विधानसभा को बहुत सारी सौगातें दी है जिसके तहत जैसे तलेटी से आमथला न्यास कार्यालय सीमा तक 8 करोड़ की लागत से फोरलैन सड़क माउंट आबू शहरी पेयजल योजना अंतर्गत साल गाँव में 250 करोड़ की लागत से बांध निर्माण व अन्य कार्य 3 करोड़ 50 लाख की लागत से सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो सिंचाई परियोजना अंतर्गत सिंचाई ग्राम परियोजना एवं रेवदर विधानसभा में अनादरा पीएससी को सीएससी क्रमोन्नत रेवदर जसवंतपुरा सड़क निर्माण रेवदर में कृषि मंडी की स्थापना साचार रानीवाड़ा कृषि मंडी अवरोड मार्ग की झाबुआ एवं गोमती नदी पर पुल निर्माण आदि कार्य की सौगात रेवदर विधानसभा को दिए गए जो सिरोही जिले के अंदर एक नजीर पेश की गई है। इस कार्यक्रम में मौजूद पंचायत समिति प्रधान लीलाराम गरासिया उपप्रधान ललित साकला जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हीरा भाई अग्रवाल दत्तानी सरपंच नितेश अग्रवाल वरिष्ठ कांग्रेसी पोपट लाल जैन आबू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बालवीर सिंह कछावा जिला महासचिव नवीन साकला माशीष अग्रवाल सेवा दल के रमेश बंजारा जिला सहकारिता समिति मुकेश सिंगर सुलोचना परमार यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेटर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संसद में पेश किया गया और आप ताजुब करेंगे कि किस प्रकार से कुठाराघात कर्मचारियों के भविष्य के साथ किया गया वो जीता जाता उदाहरण 2004 का वो समय था वो निर्णय था। आज 18 वर्ष बाद देखिए मैं आज इस कार्यक्रम में आबूरोड में हम लोग सब शरीक हुए हैं और इस कार्यक्रम में सबसे खुशी की जो बात है कि जो पुराने कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं हमारे जिन्होंने अपने खून पसीने से त्याग तपस्या से इस कांग्रेस पार्टी को क्षेत्र में सींचा उनका आशीर्वाद आज हम सब जो नए साथी हैं जो काम कर रहे हैं यूथ कांग्रेस में एनएसयूआई में मुख्य धारा में यंगस्टर जो है उनको उनका आशीर्वाद आज मिला है। किस प्रकार से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया होगा उन वरिष्ठ जनों ने कैसे उन्होंने कांग्रेस के झंडे को थामते हुए सरकार बनवाने के अंदर अपना योगदान दिया होगा कैसे उन्होंने जो है साधनों के अभाव में भी उस समय साइकिलें हुआ करती थी बैलगाड़ियों में चलते थे पैदल चलते थे आज सारी सुविधाएं हैं फिर भी हम जो है कहीं ना कहीं कमी हमारे में रह रही है उस कमी को कैसे पूरा किया जाए उनसे यही समझने के लिए इस कार्यक्रम को किया। एक बॉन्डिंग जो बीच में इस कोरोना काल में टूट सी जा रही थी उसको हम लोगों ने वापस जोड़ने के लिए कि किस प्रकार से जो गैप आ गया उसको पूरा किया जाए इस कार्यक्रम का आज आयोजन हमारे तमाम साथियों ने किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बेहतरीन मैसेज इस कार्यक्रम का दिया है। इनका सानिध्य बुजुर्गों का सीनियर्स का जिन्होंने बड़े बड़े पदों पर रह करके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से शुरू होकर के उच्च पदों तक सुशोभित होकर के इस क्षेत्र के कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया उनका सानिध्य आज प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा मैसेज आएगा और आने वाले वक्त के अंदर मजबूती के साथ में कांग्रेस का संगठन हम लोग यहाँ पर खड़ा करेंगे और ये 20 साल से जो हारती आ रही है ये सीट इसको जीतने का भी लक्ष्य हम लोग लेकर के चलेंगे कि कैसे जीता जाए इन लोगों ने कैसे उस समय जिताया था कांग्रेस को वो जो है ज्ञान यहाँ पर उनसे लेते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे।